हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है ना, पांच केमिकल रिएक्शंस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि नेम रिएक्शंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को नेम रिएक्शन के साथ। तो देखिए, पहला रिएक्शन है हमारे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात कि किस किस रिएक्टेंट में हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है तो ओनली फोर कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं जिनमें ये रिएक्शंस हुआ करती है। ठीक है, कितने कंपाउंड याद रखने हैं? फोर कंपाउंड्स। तो फोर कंपाउंड्स हैं हमारे पास, फोर कंपाउंड्स हैं जिनमें ये रिएक्शन हुआ करती है। कौन कौन से हैं वो देखो, पहला होता है हमारे पास CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। एक तो बच्चों इथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन को देता है, दूसरा एसिट एल्डिहाइड CH3CHO, इसको हम क्या बोलते हैं एसिट एल्डिहाइड। ठीक है ना, इसमें ये रिएक्शन होती है। तीसरा कंपाउंड कौन सा है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन को देता है, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। और बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल ये कोई नॉर्मल सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होता, आपको स्पेशल टाइप का लेना है। और इसमें स्पेशल बात क्या होनी चाहिए, इसके बराबर में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर में CH3 ग्रुप होना चाहिए, दोनों साइड भी हो सकता है, एक साइड तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो 2 डिग्री हमारे पास अल्कोहल होना चाहिए, है ना, और विद मिथाइल ग्रुप, एक तरफ उसमें क्या होना चाहिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर दोनों तरफ हो तो तब भी चलेगा। फोर टाइप का कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, तो फोर टाइप का होता है बच्चों कीटोन। ठीक है ना, और कीटोन भी किस टाइप की होनी चाहिए, हमारे पास मिथाइल कीटोन ही होनी चाहिए, या तो कीटोन ऐसी हो जिसके एक साइड में CH3 ग्रुप हो, या फिर कीटोन के दोनों साइड में CH3 ग्रुप हो। ठीक है ना, एक तरफ तो कम से कम होना चाहिए मिथाइल ग्रुप, तो तब उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, मिथाइल कीटोन। ठीक है ना, मैं इसको बोल दूंगा मिथाइल कीटोन। तो बस गिनती के यही चार कंपाउंड्स हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं, इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होना चाहिए जिसके बराबर में मिथाइल ग्रुप लगा हो, और कीटोन कैसा होना चाहिए जिसके बराबर में मिथाइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो इस रिएक्शन में बच्चों ट्राई हैलाइड प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड किसको बोलते हैं हम, CHX3 को। ये हमारे पास ट्राई हैलाइड होती है, और क्या प्रोड्यूस होगा, मेटलिक सोल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है ना, साथ में बनेगा मेटलिक सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटलिक सोल्ट भी बनता है इस रिएक्शन में। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों ट्राई हैलाइड क्या होती है। ठीक है, तो ट्राई हैलाइड देखो ये हो सकती है मेरे पास CHCl3 हो सकती है, अगर मेरे पास हैलोजन 3 लगे हो तो इसका हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये जो ट्राई हैलाइड है, ठीक है ना, इसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं इन जर्नल। ये ट्राई हैलाइड जो बनता है इसी का नाम होता है जर्नल में हैलोफॉर्म। तो अगर यहाँ पर हैलोजन क्लोरीन हो जाएगी तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे, CHBr3 आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, यदि मेरे पास CHI3 आ जाता है तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म जो होता है आपका येलो कलर कंपाउंड होता है। ठीक है, अब आप देखो रिएक्शन में आपको बताता हूं, तो डायरेक्ट मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन रिएक्टेंट्स क्या है इसके और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऊपर ट्राई हैलाइड बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटलिक सोल्ट बनता है। आप रिएक्टेंट को समझो ध्यान से। ठीक है ना,
आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक रिएक्टेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिथाइल कीटोन का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी एच थ्री होना चाहिए। आप इसका रिएक्शन कराओगे आयोडीन के साथ, और कितने आयोडीन लेने हैं आपको, तीन आयोडीन लेने हैं, और प्लस आपको एक बेस लेना है, एन ए ओ एच ले लो या फिर के ओ एच ले लो, एक बेस ले लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको एकदम से प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर सी एच थ्री, इसको तो आप ट्राई हैलाइड में कन्वर्ट कर दो सी एच, ठीक है ना, और हेलोजन यहाँ जैसे मैंने कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया है, तो आप आयोडोफोम बनाएंगे इस रिएक्शन में। यदि मुझे ब्रोमोफोम बनाना होता तो मैं आई टू की जगह पर यहाँ पे क्या लिखता, या फिर मैं लिखता ब्रोमीन बी आर टू, और यदि मुझे क्लोरोफोम बनाना होता, ठीक है ना, तो फिर मैं किसके साथ रिएक्शन कराता, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर आयोडोफोम बनेगा, तो ये मिथाइल को आप आयोडोफोम में बदल दो, यहाँ पर सी एच आई थ्री बना दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने कार्बन आपके पास बचेंगे ये मिथाइल ग्रुप निकलने के बाद, जितने भी कार्बन बचेंगे उन उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, उसको कन्वर्ट कर दो मेटलिक सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटलिक सोल्ट कौन सा बनेगा मेरे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, मेटल वही लगा देना जो आप बेस में लेंगे, ठीक है। तो आपका ये हेलोफोम रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मिथाइल कीटोन का आपने रिएक्शन कराया, ये थी हमारे पास यहाँ पे मिथाइल कीटोन, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आयोडोफोम बन चुका है, ये आयोडोफोम है, और ये सोडियम सोल्ट बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसको मैं कहूंगा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन चुका है ये, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है,